हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा स्ट्रीट शॉपिंग एक्सपीरियंस। आज से पहले ना इस टाइप का वीडियो मैंने कभी शेयर नहीं किया होगा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं गई थी यहाँ पे आगरा में सदर बाज़ार फॉर स्ट्रीट शॉपिंग, एंड यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगी वहाँ की शॉप्स, क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, किस चीज़ की प्राइस वहाँ पे अप्रॉक्स कितनी लगती है, सब कुछ। एंड वीडियो के लास्ट में ना मैं आपसे शेयर करूँगी कि आखिर मैंने वहां से क्या क्या परचेस किया है एंड सारी प्राइस एंड ऑल। तो फिर चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ब्यूटीज, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ की शॉप्स एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे मैं आपको पहले शो कर देती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको सारे प्रोडक्ट शेयर करूंगी। ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आई हुई हूँ यहाँ पे सदर मार्केट में, आगरा का बहुत फेमस मार्केट है। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ से मैंने सोचा है कुछ कुछ चीज़ें भी लेने का। लेट्स सी क्या खरीदते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारी शॉप्स दिखा देती हूँ एंड एवरीथिंग, एंड मैं क्या क्या परचेज़ करूँगी ना, इसका जो मेन वीडियो है वो मैं आपको बैठ के दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। सो ब्यूटीज़, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया मार्केट एक्सप्लोर करना। तो सबसे पहले ये जो शॉप हमें दिखी वो थी, यहाँ पे बाहर पैंट्स लगे हुए थे काफ़ी लो बजट में, मतलब 450-400। तो हम यहाँ अंदर गए तो यहाँ पे सैंडल्स में भी सेल थी, एज यू सी 499 रुपीज़ ऑल सैंडल्स पे, मतलब फ्लैट आपको 499 रुपीज़ में यहाँ सैंडल मिल रही थी, बट सारे सैंडल्स उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। एंड यहाँ पे पर्स काफ़ी सुंदर सुंदर थे एंड साथ में ईयरिंग्स भी काफ़ी अच्छे थे। ये सारे ईयरिंग्स ना 100 रुपीज़ की रेंज में थे। देन हम बढ़े आगे की शॉप में एंड वहाँ पे हम गए क्लोथ कलेक्शन की शॉप पे। ये काफ़ी फेमस शॉप है सदर बाज़ार में फॉर क्लोथ्स, जीएस। यहाँ पे केवल क्लोथ्स अवेलेबल थे, काफ़ी स्टाइलिश एंड ट्रेंडी क्लोथ्स भी अवेलेबल थे। यहाँ पे आपको सूट्स मिल जाता है, ये ड्रेसेस मिल जाती है एंड और भी काफ़ी कुछ यहाँ अवेलेबल है। पैंट्स मिल जाता है यहाँ पे, 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी क्लोथ्स मिल जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल ये शॉप अच्छी थी। यू कैन सी द ट्राउज़र सेक्शन हेयर, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर के ट्राउज़र्स अवेलेबल थे। ये सारे ना 500 के नीचे प्राइस में थे। यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी सारे टॉप्स थे 250 रुपीज़ में, और काफ़ी स्टाइलिश टॉप्स भी थे यहाँ पे जो मैंने 400-300 इस रेंज में लिए। एंड यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो टॉप्स हैं ना, ये आजकल जो ओवर साइज टॉप चले हुए हैं वो हैं। एंड ये सारे सूट पीसेस भी अवेलेबल थे कॉटन के, सुंदर सुंदर प्रिंट में, मुझे काफ़ी सही लगी शॉप। यहाँ पे फिर मैं प्लाजो एक्सप्लोर करने चली गई। तो ओवरऑल ना मतलब ये क्लोथ कलेक्शन जो है वो काफ़ी फेमस यहाँ पे आप कह सकते हैं शॉप है सदर बाज़ार में। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे चले गए दोबारा से सदर को एक्सप्लोर करने। काफ़ी सारी शॉप्स ओपन थी, काफ़ी सारी ओपन नहीं भी थी, बट जो हमारे काम की थी वो यहाँ पर ओपन नहीं थी। अब हम गए यहाँ पर सैंडल एंड शूज़ के एरिया में। जस्ट लुक एट दिस, काफ़ी सारी यहाँ पे सैंडल एंड शूज़ के आपको एक ही जगह पे शॉप मिल जाएगी। बहुत सारी सैंडल्स अवेलेबल है, खासकर जो आजकल ट्रेंडी सैंडल्स एंड शूज़ चले हुए हैं उस टाइप के, तो इनकी भी प्राइस ना काफ़ी सही थी। मतलब जो आप ऑब्वियसली ब्रांड से परचेज़ करेंगे उससे तो काफ़ी कम रेट में अवेलेबल थी, और शूज़ भी यहाँ पर अच्छे अच्छे प्राइस में अवेलेबल थे। यहाँ पर मेरी भाभी सैंडल्स ट्राई कर रही हैं। फिर मैं यहाँ पर चली गई कि आखिर ये सारी ईयरिंग्स किस प्राइस में, एंड यू कांट बिलीव ये सारे 50 रुपीज़ की रेंज में थे, ओनली 50 रुपीज़। जी एस, तो मुझे लगा इसमें से एक दो चीज़ें तो ज़रूर परचेज़ कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 ईयरिंग भी परचेज़ किया। ये ईयरिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आया, जस्ट लुक एट दिस। ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स के काफ़ी सही सही कलेक्शंस थे यहाँ पे। तो इसके बाद फिर से मैं वापस चली गई मेरे शूज़ एंड सैंडल की शॉपिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने शूज़ एंड सैंडल लिए। यहाँ पे बार्गेन बिल्कुल चलता है, जो आपको 500 अप्रॉक्स में सैंडल्स बताएंगे वो आप यहाँ पे 350-300 में ले सकते हैं। ज़्यादा बार्गेन नहीं कीजिएगा, मतलब हाफ प्राइस तो बिल्कुल नहीं चलेगी, बट यस थोड़ा बहुत बार्गेन बिल्कुल चलता है। इसके बाद यहाँ पे हमने मार्केट एक्सप्लोर किया, देन हम गए इस बैग की शॉप पे। यहाँ पे मतलब बैग अच्छे अच्छे अवेलेबल थे, बट मुझे जिस टाइप का चाहिए था वैसा अवेलेबल नहीं था। तो हमने यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था। तो ओवरऑल बैग और भी मार्केट में सस्ते सस्ते मिलते हैं। तो देन हम चले गए फूड सेक्शन पे। यहाँ पे काफ़ी सारा फूड अवेलेबल है, लाइक मोमोज, सोया चाप,
पानी पूरी, एवरीथिंग, मतलब जो भी स्ट्रीट में आपको फूड्स मिलते हैं, पाव भाजी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। एंड सबसे ज़्यादा फेमस जो शॉप है वो है यहाँ पे मामा फ्रैंकी शॉप। यहाँ पे आपको चिकन रोल्स, एग रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल ये था मेरा सदर बाज़ार का एक्सपीरियंस, सही था? आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो एज़ यू कैन सी ब्यूटीज़, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, एंड स्पेशली मुझे लगता है वहाँ पे शूज़, क्लोथ्स ज़्यादा नहीं, क्लोथ्स के ज़्यादा मार्केट आपको नहीं मिलेंगे, कुछ मार्केट, ईयरिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है। सबसे अच्छी जो वहाँ पे आपको वेराइटीज़ मिलेगी वो मिलेगी आपको सैंडल एंड स्लीपर्स एंड शूज़ की, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, एंड ये सही प्राइस में भी मिल जाती है। तो चलिए फिर मैं आपको शो कर देती हूँ कि आखिर मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम स्लीपर्स जीएस। वहाँ से मैंने 3 पेयर ऑफ सैंडल्स खरीदी। तो सबसे पहली सैंडल जो है वो कुछ इस तरीके की है, यू कैन सी, ये आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड में है। एंड एज आई टोल्ड यू कि मेरे जो पैर हैं ना थोड़े लंबे हैं, तो मुझे मेरा साइज जो है वो मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है, बट ये मुझे मिल गया। एंड सी दिस लेवेंडर कलर, बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये स्लीपर है, एंड मुझे ये साइज भी परफेक्टली आ गया। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसको मैंने केवल 300 रुपीज़ में खरीदा है, जी एस, ओनली 300 रुपीज़। अगर आप इसको ऑनलाइन चेक करेंगे या किसी ब्रांड में चेक करेंगे, ज़ारा, H&M या कहीं पे भी, काफ़ी कॉस्टली आपको ऐसे सैंडल्स मिल आते हैं। तो ये फर्स्ट सैंडल वहां से मैंने परचेस किया है। तो नेक्स्ट वहां से मैंने ये पेयर ऑफ सैंडल परचेस किया है, यू कैन सी बहुत ही सुंदर न्यूड कलर में ये सैंडल अवेलेबल थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और जो इससे पहले मैंने शेयर किया ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, बट दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें मुझे 40 साइज मिला, बट इट्स ओके, ये भी काफी सही से फिट आ गया मुझे। तो सेकंड इस वाले सैंडल को मैंने परचेस किया, एंड इसकी प्राइस भी सेम है, ओनली 300 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एथनिक सैंडल परचेस किया, जिसको आप सूट पे, साड़ी पे पहन सकते हैं, एंड लेट मी शो यू दिस। ये सैंडल वहां से नेक्स्ट मैंने परचेस की। इस टाइप के सैंडल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड मुझे ना ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लगते हैं, तो मैं इनको ज्यादा परचेस करती हूँ। एंड यू कैन सी कितने सुंदर पेयर ऑफ सैंडल्स है ये। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो ये मैंने वहां से 350 रुपीज में परचेस किया। वैसे वहां पे आपको प्राइस अच्छे खासे बताएंगे, जैसे कि ये वाला सैंडल का आई थिंक मुझे 500 या 450 कुछ बताया था, बट इसको मैं 350 में लेके आई। एंड इससे पहले जो मैंने शेयर किया आपको सैंडल्स, उसका मुझे 400 अप्रॉक्स बताया था, बट उसको मैंने 300 में लिया। मतलब थोड़ी बहुत बार्गेनिंग चलेगी, ऐसा नहीं है कि आप प्राइस को सीधे हाफ कर दीजिएगा, जिन्हें वो ज़्यादा हो जाएगा उतनी बार्गेनिंग नहीं चलेगी, बट यस, आप 100-150 रुपये वहाँ कम कर सकते हैं, इतना वहाँ पे चलता है। तो नेक्स्ट वहाँ से मैंने लिया है क्लोथ्स। क्लोथ्स में ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, एज आई टोल्ड यू 2-3 ही शॉप्स हैं जो मतलब उस टाइम ओपन थे, या हो सकता है मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बट वहाँ पे मुझे क्लोथ्स की ना उतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं दिखी। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि आखिर मैंने वहाँ से क्या क्या परचेस किया है। मैंने वहाँ से 2 टॉप्स परचेस किए। वहाँ पे एक शॉप है क्लोथ कलेक्शन, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं क्लोथ्स के। तो फर्स्ट टॉप मैंने जो वहाँ से खरीदा है वो रेगुलर घर पे पहनने के लिए एकदम जो कहते हैं ना ओवर साइज टॉप है, तो मैंने उसको खरीदा है। तो यू कैन सी दिस, ये टॉप मैंने वहाँ से खरीदा है। इसमें कोई प्रिंट नहीं है, यस है, एक छोटा सा प्रिंट है, अदरवाइज बिल्कुल प्लेन टॉप है ये। यहाँ इसको आप घर पे या फिर आजकल ओवरसाइज टी शर्ट का काफ़ी ट्रेंड है, तो नॉर्मल जीन्स पे पहन के आप बाहर भी जा सकते हैं। ये भी काफ़ी सही है, क्वालिटी भी अच्छी मिल गई थी मुझे इसकी, और इसकी प्राइस है आई थिंक 350 रुपीज़ में मैंने इसको परचेस किया है। नेक्स्ट वहाँ से मैंने एक पार्टी वियर टाइप टॉप परचेस किया है, और लेट मी शो यू दिस टॉप। वो टॉप कुछ इस तरीके का है, इसको मैंने वहाँ से परचेस किया। स्लीव्स काफ़ी स्टाइलिश हैं इसकी, और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है केवल 400 जीएस। 400 में ये बहुत ही सुंदर, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। यहाँ पे ये वी नेक के साथ आ जाता है, और इसकी प्राइस है केवल 400 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने बताया, क्लोथ कलेक्शन काफ़ी अच्छा शॉप है, काफ़ी सही सही वहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे सूट के, या फिर ये टॉप्स के, अच्छे अच्छे टी शर्ट्स के, बच्चों के भी कपड़े मिल जाएंगे, ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब 10 की एज से ऊपर के बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं। तो ये भी काफ़ी सही वैरायटी वहाँ मिल जाती है, और 400 से 500 600 अप्रॉक्स की रेंज में आपको वहाँ पे बहुत सही सही क्लोथ्स मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने वहाँ से लिया है एक बहुत ही सुंदर लखनवी चिकनकारी कुर्ता, जो कि मैंने मॉडर्न एंड क्लासिक कलेक्शन की शॉप से लिया था। मैं यहाँ पे शॉप का नेम भी मेंशन कर दे रही हूँ, सो दैट अगर आप आगरा में रहते हैं एंड आप कभी विजिट करें सदर, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू द कुर्ता। सो हेयर इज़ द कुर्ता, बहुत ही सुंदर वाइट कलर का ये कुर्ता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जस्ट लुक एट दिस, है ना, बहुत ही सुंदर एकदम लखनवी कुर्ता। एंड वहाँ पे प्राइस काफ़ी हाई थी, एंड इसके साथ मैंने लिया है ये प्लाजो।
जस्ट लुक एट द सेम ही टाइप का प्लाजो है, बिल्कुल सेम उसी प्रिंट में एंड ऑल। एंड इसमें यहाँ पे ना सितारे लगे हुए हैं जो कि इसमें चार चांद लगा देते हैं। एंड प्लाजो में ना यहाँ पे मियानी दी हुई है जो सो दैट ना आपको ये सही फिटिंग के साथ आ जाती है। तो ये कुर्ता एंड प्लाजो का सेट जो है वो मैंने 1400 में लिया है। जी एस 700 का कुर्ता है एंड 700 का प्लाजो है। जी एस ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट लखनवी चिकनकारी इस टाइप के जो कुर्तीज़ होते हैं ना वो वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एंड हाई कॉस्ट में होते हैं, तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया। नेक्स्ट वहाँ से मैंने काफ़ी सारे इयररिंग्स परचेज किए हैं। यस वहाँ से मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर इयररिंग पीसेस थे। एंड यहाँ पे मैंने दो प्राइस में इयररिंग्स को परचेज़ किया, एक 50 के रेंज में एक 100 के रेंज में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको 100 के रेंज वाले एक इयररिंग्स शो कर देती हूँ, देन मैं आपको शो करूँगी 50 की रेंज के इयररिंग्स। तो यहाँ पे मेरे पास केवल दो पीस इयररिंग्स है जो कि मैंने 100 रुपीज़ में लिए हैं, एंड बाकी सब जो है वो 50 के रेंज के ही हैं। तो ये है 100 रुपीज़ वाला जस्ट लुक एट दिस, कितना सुंदर है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसको 100 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया। एंड नेक्स्ट वहाँ से मैंने ये वाला इयररिंग परचेज़ किया है 100 रुपीज़ में। ये भी बहुत ही सुंदर ऑक्सीडाइज इयररिंग है विथ पर्ल, एंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये दोनों इयररिंग जो है 100 रुपीज़ की रेंज में। नेक्स्ट वहाँ से मैंने एक सेट 100 रुपीज़ की रेंज में परचेस किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये भी इसके साथ यहाँ पे इयररिंग का भी सेट है, एंड इसको भी 100 रुपीज़ की रेंज में ही मैंने परचेस किया। 100 रुपीज़ में काफ़ी सही था, वैसे वो 200 बोल रहे थे बट हमने बार्गेन किया तो उन्होंने 100 में दे दिया। बहुत ही सुंदर पीस है। इसके बाद यहाँ पे जितने इयररिंग्स हैं वो हैं यहाँ पे 50 के रेंज में। तो सबसे पहले यहाँ पे 50 के रेंज में है ये बहुत ही सुंदर ऑक्सीडाइज इयररिंग। ₹50 में उन्होंने दिया, एंड मुझे ये वर्थ ऑफ मनी लगा, मुझे लगा बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। तो ये था नेक्स्ट इयररिंग। इसके बाद वहाँ से मैंने एक जीन्स पर्पज़ से इयररिंग लिया है। ये यहाँ पे स्क्वायर शेप वाले इयररिंग है, एंड इसको भी मैंने 50 के रेंज में लिया है। ये भी काफ़ी सुंदर है एंड अच्छा पीस है, फॉर 50 रुपीज़ बिल्कुल वर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये पर्ल वाला राउंड इयररिंग लिया है, ये भी काफ़ी सुंदर इयररिंग है। तो ये है ऑक्सीडाइज इयररिंग, इसको भी मैंने 50 रुपीज़ के रेंज में लिया है। सो ब्यूटीज़ ये थे वो सारे इयररिंग्स, क्लोथ्स, सैंडल जो कि मैंने सदर बाज़ार से ख़रीदा है, एंड मुझे ये स्ट्रीट शॉपिंग का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे इस टाइप के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो फिर मिलते हैं मेरे और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय।